शुरुआत करूंगा, क्या संभावनाएं आज दिख रही हैं? देखिए, बहुत केस बड़ा टिपिकल हो गया है केजरीवाल और उनके जो सपोर्टर हैं, जो दलील ये दे रहे हैं कि भाई चुनाव है तो प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो आगे चल के एक नज़ीर बनता है, फ्यूचर में जो केस आएंगे, जजमेंट आएंगे, उसके लिए एक बेस बनता है। हम इसी तर्क को देखें विपक्ष के कि भाई चुनाव है तो आप हमको बेल दीजिए कम से कम चुनाव के लिए, तो ऐसे तो कोई भी अपराधी चुनाव के पहले पर्चा भरेगा और उसको एक जेन्यून रीजन मिल जाएगा कि भाई चुनाव है, हमें 4 महीने के लिए चुनाव चलेगा तो 4 महीने के लिए आप बेल दीजिए। तो इतने गलत बैकग्राउंड पे मैं समझता हूँ जो विद्वान जज हैं, इस गलत बैकग्राउंड या कमजोर बैकग्राउंड पे तो वो बेल नहीं देंगे। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर बेल देना ही है या बेल दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जज, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इसकी नज़ीर है संजय सिंह का केस, उनको एक रिस्ट्रिक्टेड वे में उनको बेल दी गई है कि आप पर्टिकुलर मैटर के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, कोई भी आप भाषण नहीं देंगे, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या सामाजिक एक्टिविटी में कुछ भी आप उद्घोषित नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा करके हो सकता है सुप्रीम कोर्ट दे दे, लेकिन मुझे ज़्यादातर चांसेस इस चीज़ के लग रहे हैं कि शायद ये बढ़ जाए टेन्योर या बेल न मिले। बिल्कुल, लेकिन जैसे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो नज़ीर होते हैं, जैसा आपने भी कहा। कुछ मीम्स हमने देखे कि किसान ये कह रहा है कि हमें अपनी फसल की कटाई करना है, हमें बेल दे दीजिए। कुछ कंपनी के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी कंपनी में शेयर लॉस में जा रहा है, हमें बेल दे दीजिए। क्या ये ग्राउंड हो सकता है? इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश होगी। और हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं वो सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर कोई इस तरीके से अगर चलने लगा ना, तो फिर हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई है, एक बिजनेसमैन या कोई भी बोलेगा भाई क्लोजिंग आ रही है, मेरे कंपनी के ऊपर कर्जा है, कर्जे उतारने हैं, आप बेल दे दीजिए। मानवीय आधार पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज आ गई, घर में किसी की मृत्यु हो गई, शादी है, विवाह है, बेटे बेटी का, तो मानवीय आधार पे ऐसी चीजों के लिए तो बेल दी जा सकती है, जो कि फ्रिक्वेंटली नहीं होती है। लेकिन अब चुनाव प्रचार तो अभी 1 साल मान लीजिए अगर इनको सजा हो जाए किसी भी अपराधी को, तो भारत तो एक ऐसा देश है जहां हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, उसको प्रचार करना है, कभी पंचायत का चुनाव हो रहा है तो हर जगह से वो खड़ा होगा, तो फिर सजा और न्याय व्यवस्था जो है वो बड़ी डाइल्यूटेड हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, जांच एजेंसियों का किसी को गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना या जेल में रखना किसी भी आधार पे। तो फिर न्याय व्यवस्था का भी जो है एक भय जो रहता है वो रहेगा नहीं अपराधियों के भीतर, क्योंकि हर अपराधी के पास ऐसे अनगिनत उपाय होंगे, ऐसे जस्टिफाइड रीजन होंगे, अगर इस बिना पे, इस वजह के कारण किसी को बेल मिलती है तो हर आदमी के पास कोई ना कोई ऐसा रीजन है कि साहब हमें तो बेल दे दीजिए, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा अदालतों का, न्याय